कनेक्ट हो गया सर हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बाद में देखेंगे आपका चलो ठीक है तो ये जो है कि ध्यान दोगे आप कि ये नॉर्थ है पो, नॉर्थ पोल है और ये जो है कि साउथ पोल है तो मैग्नेटिक एक्सिस की अगर हम बात करते करें तो ध्यान देना एक चीज आप याद कि ऐसा परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है ये जो करंट लूप के कारण एक मैग्नेटिक प्रोड्यूस होता है वो इमेजिनरी मैग्नेट हमने ये बनाया है तो ये इमेजिनरी मैग्नेट है इमेजिनरी मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है इसी नॉर्थ और साउथ पोल से जाने वाली जो ये लाइन है ये जो लाइन है इस लाइन को दोनों नॉर्थ और साउथ से नॉर्थ और साउथ पोल से जाने वाली जो ये इमेजनरी लाइन है इस लाइन को हम कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस इसे हम क्या कहेंगे? कहेंगे. और ध्यान देना है, जो है यह मैग्नेटिक एक्सिस जो ग्राफिक एक्सिस पर यह कोइंसाइड नहीं होती है बट दोनों के बीच कुछ एंगल बनता है नियरली इलेवन पॉइंट 2 डिग्री का एंगल जो है कि फॉर्म होता है तो दोनों जो है ये ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस एक ही पर कोइंसाइड नहीं होते हैं बट दोनों के बीच कुछ एंगल फॉर्म होता है और यह एंगल नियरली 11.2 डिग्री ऑर्डर का होता है इसकी वैल्यू बाद में और बात कर रहे हैं तो ये मैग्नेटिक एक्सिस रहा अगली पॉइंट्स आपको ध्यान देना है कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है थोड़ा सा आप समझोगे अब मैग्नेटिक एक्सिस है यह मैग्नेटिक एक्सिस जोग्राफिक नॉर्थ के पास जहां पर इस अर्थ के सरफेस को कट करती है यहां पर इसे जो है हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कह रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हम कहेंगे तो थोड़ा सा जो है कि फिगर हमने तब गड़बड़ कर दिया है इधर एक्चुअल में जो है कि क्या होगा ये साउथ होगा नॉर्थ में जो है कि मैग्नेट का साउथ होता है ना फ्रीली मैग्नेट को आप सस्पेंड करते हो तो नॉर्थ yes, में नॉर्थ पोल रुकता है और साउथ में साउथ पोल रुकता है साउथ में अगर साउथ पोल रुक रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जबकि इधर क्या हो नॉर्थ पोल हो और जब नॉर्थ पोल है तो यहां से जो है कि फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं ये ध्यान दोगे आप लोग कहाँ पे हमने गलत बनाया था ये समझ में आ गया हो, होगा ना तो ये जो है कि पॉइंट हम लेकर के चल रहा है अगर हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो ज्योग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन में जोग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जो है कि नॉर्थ पोल रुकता है तो नॉर्थ रुकेगा कब जबकि अर्थ का क्या हो अर्थ मैग्नेट का साउथ पोल तभी ना नॉर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो ये जो ये है कि ये जो है कि फिगर रहा तो ये जो यहां पर जो पॉइंट है उसे हम जियोग्राफ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कह रहे हैं और इस वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे मैग्नेटिक साउथ पोल, पोल कहेंगे तो ये जो है कि मैग्नेटिक साउथ पोल है तो ध्यान देना है आपको कि हमने जो बनाया है ये मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ बनाया है और ये जो पोर्शन है मैग्नेटिक साउथ पोल है और ये क्या है जियोग्राफिक साउथ पोल है अगर बुक में अलग अलग बुक आप पढ़ते हो एनसीआरटी पढ़ते हो यहां पर साउथ लिख दिया हो और इसका जिक्र न किया हो और इस तरह से फिगर बनाया हो तो आपको परेशान नहीं होना है ये एक्चुअल में नॉर्थ पोल जैसा है तभी जो है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर जा रही है साउथ यहां लिख दिया हो और ऐसे जा रहा हो मतलब ये बात कर रहा है यहां की कि ये जो है कि क्या है मैग्नेटिक साउथ पोल है बात समझ में आया नहीं नेक्स्ट पॉइंट ध्यान तो मैग्नेटिक एक्सिस आपको समझ में आ गया कि मैग्नेटिक एक्सिस क्या है और ज्योग्राफिक एक्सिस क्या है नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स मैग्नेटिक इक्वेटर या कोई भी हम लेकर के चलें ज्योग्राफिक इक्वेटर की हम पहले बात कर ले रहे हैं ज्योग्राफिक इक्वेटर जियोग्राफिक इक्वेटर इक्वेटर आपको पता है जो ज्योग्राफिक एक्सिस है जो एक्सिस है, ये जो जियोग्राफिक एक्सिस है अब जो हमारी अर्थ है इस अर्थ को आप ऐसे जो है कि स्लाइस के फॉर्म में डिस्क के फॉर्म में कट कर सकते हो तो डिस्क के फॉर्म में अगर कट करते जाते हो कट करते जाते हो नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं ऐसे हमने तो ये जो है कि ये ज्योग्राफिक एक्सिस है और इसे जो है कि आप पूरे अर्थ को ज्योग्राफिक एक्सिस के नॉर्मल छोटे छोटे स्लाइस में आप आप कट कट करो करो चिप्स जैसा जो है कि कट करो। तो वो डिस्क चलो जो कि सबसे बड़ा हो जिसकी रेडियस सबसे बड़ा हो और इस जोग्राफिक एक्सिस के क्या हो नॉर्मल हो तो ये जो हमें डिस्क मिलेगा ये जो हमें प्लेन मिलेगा इसी को हम कौन सा इक्वेटर कहेंगे ज्योग्राफिक इक्वेटर कहेंगे मींस यहां सेंटर से अर्थ के सेंटर से ये पास करेगा इसी की रेडियस सबसे बड़ी होगी और ये जो डिस्क है ये जो डिस्क है जो कि ज्योग्राफिक एक्सिस के नॉर्मल है और रेडियस में सबसे बड़ी है इसी को हम क्या कहेंगे इसी को हम कहते हैं ज्योग्राफिक इक्वेटर मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को ज्योग्राफिक इक्वेटर समझ में आया ना जी ज्योग्राफिक इक्वेटर क्या है तो जियोग्राफिक इक्वेटर yes. आपको समझ में आ गया अब हम चलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर की हम बात करेंगे तो मैग्नेटिक इक्वेटर भी इसी तरीके से है मैग्नेटिक इक्वेटर मैग्नेटिक इक्वेटर की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक इक्वेटर में मैग्नेटिक इक्वेटर को अगर हम लेकर के चलें तो अब आपको क्या करना है ये जो हमारी अर्थ थी तो उसी अर्थ यही पर्टिकुलर आप अर्थ लेकर के चल रहे ले हो लेकिन इस बार जो ग्राफिक एक्सिस नहीं लेकर के चल रहे हो बट आप मैग्नेटिक एक्सिस लेकर के चल रहे हो मैग्नेटिक एक्सिस आप लेकर के चले और इस एक्सिस के नॉर्मल इसे जो है कि स्लाइस में आप कट करते जाओ कट करते जाओ बात समझ में आया ना तो आप इसे स्लाइस में कट कर रहे हो तो जो स्लाइस जो पर्टिकुलर डिस्क जिसकी रेडियस सबसे बड़ी हो लेकिन मैग्नेटिक एक्सिस के नॉर्मल हो उसी को हम क्या कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर कहेंगे तो यहां जो है ये जो लाइन है ये जो डिस्क मिलेगा ये जो है कि आप देखो मैग्नेटिक एक्सिस के नॉर्मल है ना और रेडियस में सबसे बड़ी है तो इस डिस्क को हम क्या कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर कहेंगे बात समझ में आ रहा है ना थोड़ा सा कई लाइन हो गया तो कॉम्प्लिकेटेड फिगर लग रहा होगा लेकिन आप समझ पा रहे होंगे तो ये जो है कि क्या कहलाएगा इसे हम कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर आया समझ में ना आगे चलें अगली बात आप समझोगे नेक्स्ट पॉइंट आप समझोगे नेक्स्ट पॉइंट हमें समझना है कि नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे जियोग्राफिक मेरेडियन और मैग्नेटिक मेरेडियन तो फिफ्थ हम लेकर के चल रहे हैं जियोग्राफिक मेरेडियन ज्योग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरेडियन और सिक्स की हम बात करेंगे सिक्स हो जाएगा मैग्नेटिक मेरेडियन ये हम पढ़ के ही आगे मैग्नेटिक एलिमेंट पढ़ सकते हैं इसलिए जरूरी है इसको समझाना मैग्नेटिक मेरिडियन तो ज्योग्राफिक मेरिडियन की बात करें और मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करें तो जो ज्योग्राफिक एक्सिस है ज्योग्राफिक एक्सिस क्या है पर्टिकुलर जिस एक्सिस के अलोंग हमारी अर्थ रोटेट करती है उसी एक्सिस को हम ज्योग्राफिक एक्सिस कहते हैं और जो ज्योग्राफिक एक्सिस है उसी एक्सिस के परपेंडिकुलर आप इमेजिन करो एक प्लेन को इसी के नॉर्मल एक प्लेन को आप इमेजिन करो तो जो प्लेन आप इमेजिन कर रहे हो इसके नॉर्मल जो ज्योग्राफिक मेरिडियन है इसी के नॉर्मल जो आप ये प्लेन इमेजिन कर रहे हो इस इमेजिनरी प्लेन को जो कि क्या है ज्योग्राफिक एक्सिस से ऐसे नॉर्मल नॉर्मल जो इमेजिनरी प्लेन है उसी प्लेन को हम क्या कहते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं दैट इज द इमेजिनरी प्लेन पासिस नॉर्मली टू दी ज्योग्राफिक एक्सिस इज नोन ज्योग्राफिक मेरिडियन इसे जो है कि ज्योग्राफिक मेरिडियन कह रहे हो एक बार और आप समझोगे शायद समझ में आ रहा है कि नहीं ये जो ज्योग्राफिक एक्सिस है इस जियोग्राफिक एक्सिस पर ज्योग्राफिक एक्सिस से पास होने वाला ये जो हम प्लेन बना रहे हैं जो इमेजिनरी प्लेन बना रहे हैं ऐसा एक्चुअल में प्लेन नहीं होता है जो ऐसा इस तरीके का हम जो प्लेन बनाते हैं यही प्लेन जो है कि क्या कहलाएगा ज्योग्राफिक मेरिडियन कहलाएगा लेकिन अगर मैग्नेटिक एक्सिस से ऐसे जो है कि प्लेन अगर आप इमेजिन करते हो जो कि मैग्नेटिक एक्सिस से ऐसे जो है कि पास कर रहा है तो इस प्लेन को कौन सा प्लेन कहेंगे मैग्नेटिक मैरेडियन कहेंगे तो दो हाँ दोनों बातें समझ में आ रहा ना जो ग्राफिक मैरेडियन और दूसरा क्या है मैग्नेटिक मैरेडियन एक बार और बस लास्ट आप सुनोगे ज्योग्राफिक एक्सिस से ऐसे पास होने वाली जो इमेजिनरी प्लेन है उस प्लेन को ज्योग्राफिक मेरिडियन कह रहे हैं और मैग्नेटिक एक्सिस से ऐसे इमेजिनरी पास होने वाली जो प्लेन है उसे हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे तो ये सारी बातें जो है कि क्लियर हो गई ज्योग्राफिक एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस जोग्राफिक इक्वेटर मैग्नेटिक इक्वेटर और इसके बाद से जो है कि क्या आपने देखा ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन हाँ, बोलो सर मैग्नेटिक मेरिडियन एक बार और समझा दीजिए ध्यान दो कि ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन जो है एक तरीके की टॉपिक है जैसे ज्योग्राफिक एक्सिस से ये जो लाइन है अब हम इसे र, इस पे रफ काम कर ले रहे हैं फिगर पे ये जो एक्सिस है इस एक्सिस को कौन सी एक्सिस आप कह रहे हो इस एक्सिस को ज्योग्राफिक एक्सिस आप कह रहे हो ज्योग्राफिक जो है कि ज्योग्राफिक एक्सिस कह रहे हो थोड़ा कॉपी दे दोगे ना तो ये जो ज्योग्राफिक एक्सिस है यहां से जो है इसी के जो है कि नॉर्मल ऐसे जो है आप जो है इमेजिन करो कि ये जो प्लेन है जोग्राफिक एक्सिस से पास कर रहा है शायद आप फिगर अच्छे से देख पा रहे होगे ना समझ में आ रहा है Yes, 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 तो ये, ये जो प्लेन है ये जो इमेजिनरी प्लेन है जो कि ज्योग्राफिक एक्सिस से पास कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं आगे है समझ में ना लेकिन अगर यही प्लेन यहां से न जा करके यहाँ से जाए मैग्नेटिक एक्सिस से तो उसको हम क्या कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे आगे समझ में ना और मैग्नेट इमेजिनरी मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल से जाने वाली जो ये लाइन है उसको जो है कि मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं अब समस्या आएगी कि ये ही ये जो आप कहा प्रतिभा प्रतिभा चौहान ऑडियो म्यूट कर लोगे तो ये बात समझ में आ गया ना तो दोनों बातें जो है कि समझ में आ गई होगी अब जो है कि आप ध्यान दोगे अगली बात हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट याद रखना है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ वेरिएबल होता है टाइम के साथ यह भैरी करता है तो अब हम चलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट पर अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट पर फिगर को रहने दे रहे हैं क्योंकि कुछ बातें हमें समझना होगा कैमरा मूव कर लीजिए सर प्लीज हाँ 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 थैंक यू सर आप लोग बतलाते चलोगे जहां सुविधा हो क्योंकि मैं अगर बोर्ड पे लिखने लगता हूं तो पता नहीं चल पाता है कभी कभी अस मैग्नेटिक एलिमेंट अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट पहले तो ये आपको समझना होगा कि अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट होता क्या अगर किसी भी पॉइंट पर अर्थ के किसी भी पॉइंट पर अगर हमें अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर हमें फाइंड करना हो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्निट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना हो तो हमें थ्री क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है और जिन जिन क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है उसी क्वांटिटी को हम अर्थ का मैग्नेटिक एलिमेंट कहते हैं ध्यान दोगे एक बार और मैं बता रहा हूं इसे अगर हमें कहीं पर यहां पर सपोज है अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो यहां पर इस पर्टिकुलर प्लेस पर अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्निट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है तो हमें तीन पर्टिकुलर क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है या जिन जिन क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है जिसका रिक्वायरमेंट होता है उन्हीं क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट कहते हैं समझ में आया यह अर्थ के किसी भी प्लेस पर हमें अर्थ का अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना हो नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना हो तो हमें जिन पर्टिकुलर क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट्स होगी उन क्वांटिटीज को हम अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट कहते हैं ये कितने हैं ये तीन है पहला जो है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है पहली जो क्वांटिटी है उसे हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन और दूसरी जो क्वांटिटी है सेकंड जो क्वांटिटी है ये है मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और इसी को हम मैग्नेटिक डीप भी कहते हैं मैग्नेटिक डीप कहते हैं और तीसरी जो क्वांटिटी है ये होरिजेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ये तीसरी क्वांटिटी होती है ये होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अभी लिख नहीं रहे हैं उधर दिखाई नहीं देगा यही पे लिख रहे हैं बाद मेंजेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ होरिजेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ होरिजेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जैसे वर्टिकल और होरिजेंटल जो कंपोनेंट होता है वही होरिजेंटल कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं तो तीन क्वांटिटी की हमें जरूरत पड़ती है अर्थ के किसी भी पॉइंट पर नेट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो अब हम सबसे पहले ये सबको बारी बारी से समझेंगे सबसे पहले हम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को समझेंगे कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है क्या अब पहले आप समझो आपने जो है कि पढ़ा सिंपली जब आप पढ़ रहे थे तो हमने बतला दिया कि किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली अगर आप सस्पेंड करते हो तो फ्रीली सस्पेंड करने पर यह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है यही ना हमने बतलाया अभी तक आप यही पढ़े थे लेकिन थोड़ा सा अब उसमें चेंजिंग करने वाले हैं आपने पढ़ा कि वे ए बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज स्टे टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है तो क्या यह एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है तो आंसर है कि नहीं एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे नहीं करता है जो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है जो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उधर नहीं बट उससे जो है कि कुछ एंगल बनाते हुए जो है कि ये स्टे करता है इधर नॉर्थ अगर है सामने अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ तो रुकेगा लेकिन एग्जैक्टली नॉर्थ की ओर नहीं रुक रहा है बट थोड़ा सा जो है इलेवन डिग्री ट्वेल्व डिग्री कहीं जीरो अलग अलग प्लेस पर अलग अलग वैल्यू होती है जैसे इंडिया में जो है कि दिल्ली या मुंबई में लगभग वन डिग्री भी नहीं होता है वन डिग्री से भी कम जो है कि ये डिक्लाइनेशन की वैल्यू होती है तो ये जो है कि एक्जेक्टली जोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं रुकता है बट जो है उससे कुछ एंगल बनाते हुए रुकता है नॉर्थ में रुक रहा है लेकिन एग्जैक्टली ज्योग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं स्टे कर रहा एग्जैक्टली ज्योग्राफिक साउथ डायरेक्शन में नहीं रुक रहा है और कहीं पर भी जिस डायरेक्शन में ये स्टे करता है रुकता है उसे जो है कि वो मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे और जो ज्योग्राफिक एक्सिस से वहां पर जो एंगल बनाएगा उसी एंगल को हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहते हैं उसे जो है कि हम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहेंगे बात तो समझ में आ गया ना आप बतलाओगे yes, हाँ कई तरीके से आप बतला सकते हो आसान तरीके से आप बतला सकते हो कि द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस एट दैट एट गिवन पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच जहां कहीं भी अर्थ के किस जिस किसी भी प्लेस पे हम बात कर रहे हो उसके बीच बनने वाले इस स्मॉल एंगल को एंगल को हम क्या कहेंगे मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहेंगे या दूसरे तरीके से आप और समझ सकते हो अभी आपने ज्योग्राफिक मेरिडियन की बात किया और मैग्नेटिक मेरिडियन की बात किया कहीं पर भी ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बनने वाला जो एंगल होता है उसी एंगल को हम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहते हैं क्या ये बात समझ में आ गया ना एक बार और थोड़ा सा बोलें कि आपको याद भी रहे अच्छे से फिर आप पढ़ोगे तो कोई ज्यादा परेशानी ना हो किसी भी बार मैग्नेट को आप फ्रीली अगर सस्पेंड करते हो तो एकदम एग्जैक्टली जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्या है जियोग्राफिक एक्सिस क्या है जिस एक्सिस के अलोंग हमारी अर्थ रोटेट करती है जिस एक्सिस के अलोंग हमारी अर्थ रोटेट करती है उस एक्सिस को हम जियोग्राफिक एक्सिस कहते हैं और चूंकि फिगर में हमने एकदम सीधा बनाया है एकदम सीधा ऐसे नहीं होता है बट ऐसे थोड़ा सा तिरछा ही जो है कि हमारी अर्थ रोटेट करती है जिसके कारण आप पढ़ते हो कि कई ऐसे जगह है जहां पर दिन बहुत ज्यादा बड़े होते हैं या रात बहुत बड़े होते हैं तो वो सब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा यहाँ जो है कि अगली चीज आप ध्यान दोगे तो जो जो ज्योग्राफिक एक्सिस है उसी के जस्ट डायरेक्शन में ये मैग्नेट नहीं रुकता है एकदम ऐसे नहीं रुक रहा बट इससे कुछ एंगल बनाते हुए स्टे करता है है और इन्हीं दोनों के बीच ये जो बनने वाला एंगल है, उसी स्माल एंगल उसी स्मॉल को हम क्या कर रहे हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहते हैं अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन की बात कर इंडिया में चूंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है लगभग जो है कि फोर्टी डिग्री और फिफ्टी डिग्री डिग्री नहीं वो